नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। ये देखिए, आज झिनुक मेरे साथ बैठी है। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे है, उन सब के लिए मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। मैं ना आप लोगों को मेरी बेटी के बारे में, बीच बीच में हम बात तो किए पर बहुत डिटेल्स में मैं नहीं बताई। उसके एक्चुअली लास्ट नवंबर में शादी होके वो बेंगलोर चली गई और जनवरी में आई थी, अपना सामान वामान सब लेके ट्रांसपोर्ट में लेके गई। तो उसका ऐसा था कि क्योंकि उन लोगों ने बताए थे हमें कि बहुत अच्छा फ्लैट रेंट पे लिया और बहुत अच्छा से सब कुछ सजा के रखा है, एंड डेफिनेटली वो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम जाके एक बार देखें। पर ये सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि हम बेंगलोर जा नहीं पाए अभी तक। तो उसको वो बहुत ऐसा लगता है कि मम्मी आप देखने नहीं आ रहे हो। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, चलो अभी ऑनलाइन में आप दिखाना शुरू करो, वीडियो कॉल करके आप पूरा मुझे दिखाओ। तो मैं सोचा जब वो दिखा ही रही है तो मैं अकेली क्यों देखूं, मेरे पूरा फैमिली के साथ एक साथ बैठ के मैं देखूंगी। वैसे तो वो बहुत अच्छे से बहुत सजा के रखना और रहना पसंद करती हैं, पर हम माँ बेटी दोनों ही थोड़ा, जैसे मैं बोलती हूँ कि थोड़ा मूडी भी हूँ और थोड़ा सा दूसरे काम में अगर बिजी रहते हैं ना, तो फिर इतना घर के साफ सफाई और सजावट में ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी जब वो दिखाना चाहती है तो मैं चाहती हूँ मैं भी देखती हूँ, आप लोग देखिए चलिए वो कैसे घर रखा है, हम सब मिलके देखते हैं। हेलो, वेलकम टू आवर हम्बल अबोड। कम ऑन इन। जैसे आप अंदर आते हैं, फॉर माय गेस्ट्स आई हैव क्रिएटेड दिस कॉर्नर। आई लाइक व्हेन द रूम स्मेल्स रियली वेल, सो आई हैव सम पॉटपूरी हियर एंड दीज आर जस्ट ट्रिंकेट्स दैट आई कलेक्टेड ओवर द इयर्स। मैं आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड में थी, मैं माँ और बाबा नैनीताल गए थे एंड आई पिक्ड दिस ऑफ एट द साइड ऑफ द रोड। ऐसे रस्ते से गाड़ी रोक के मैंने उठा लिया था, आई वाज मेसमराइज्ड विद इट, बट आई एक्चुअली नाउ यूज इट एज अ होम डेकोर। This is a small trinket that my cousin Arithri got for me from Spain, and it's a very dear one for me, and I've kept it here. This is a laughing Buddha. It's obviously for good luck. It's got the face, the door, so that's how I've kept it. My mom gave it to me. That's not true. When I was shifting here to Bangalore, I picked it up from my mom's house, and now I have it here. Think what you will of me, पर मैंने ये मेरी मम्मी से चुराया है और ये छोटू सा मुझे बहुत क्यूट लगा था, तो मैंने कोई एक एग्जीबिशन से पिकअप किया है फ्रॉम बॉम्बे। आई डोंट नो व्हाट एग्जीबिशन इट इज। दिस वन वाज एट माय नानीज हाउस इन श्रीरामपुर। आई थिंक सेवेंथ या एट स्टैंडर्ड पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, उसके बाद से ये मेरे पास ही है, सो आई जस्ट गॉट इट इन। दिस, ये एक राधा कृष्ण की मूर्ति है, ऑब्वियसली उसका एक फोटो है फ्रॉम द इस्कॉन टेम्पल इन जुहू मुंबई, कलांगन, जो कि मेरी मम्मी का इंस्टीट्यूट है। हम लोग वहाँ परफॉर्मेंस करने गए थे और हमको एक गिफ्ट में मिला था अलॉन्ग विद सम भगवद गीता, सो आई हैव दैट। आई हैव पुट दैट हियर, इट गोज वेरी वेल विद द डेकोर एंड लाइटिंग। अगर आप घर का एस्थेटिक देखेंगे, आई थिंक कि मेरा ऑब्वियसली मैंने रेंट पे लिया है, हमने रेंट पे लिया, मैंने मेरे हस्बैंड ने, बट लैंडलॉर्ड ने बहुत प्यार से इस घर को सजाया है। ऑब्वियसली थोड़ा टुक मुक जो मुझे आता था मैंने सजाया, बट टिपिकली अ लॉट ऑफ द एस्थेटिक्स is because my landlord had some good taste and me and my husband recognized that taste, so hum ye ghar fat se rent pe le liya. This is the guest bedroom in case my parents come to visit here or Moina's parents come to visit here or we have friends coming over after the lockdown, after the COVID pandemic. This is the guest bedroom. Obviously it's pretty simple kyunki hum ye koi bhi room use nahi karte hain. jab main shaadi karke is ghar mein aayi तो मैं अपने घर से सारे सामान लेके आई हूँ, ज्यादातर सामान लेके आई हूँ जो मुझे चाहिए था। ये मेरे सारे बचपन के बुक्स है, सम एनिड ब्लाइटन बुक्स हियर, अकबर बीरबल है, बहुत ही जब बचपन में जो मैं बुक्स पढ़ती थी वो सब है। तो आई जस्ट थॉट कि यहाँ पे रहना चाहिए बिकॉज व्हेन आई गेट नॉस्टैल्जिक, दिस इज माय फर्स्ट टाइम जब मैं घर से इतना दूर हूँ, अपने मम्मी पापा से इतना दूर हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा नॉस्टैल्जिया के लिए ये बुक्स रख देते हैं। सो वी डोंट रियली यूज दिस रूम एट ऑल। ये ट्रेडमिल की बहुत फनी स्टोरी है। ये ट्रेडमिल एक्चुअली मेरे पापा ने बहुत साल पहले खरीदा था बिकॉज ही इज अ फिटनेस फ्रीक, बट ट्रेडमिल करते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें नेचर में भागना ज्यादा अच्छा लगता है, इनडोर नहीं अच्छा लगता। तो उसके बाद से घर पे मैं कभी कभी, ज्यादातर तो उस पर कपड़े सूखते थे मेरे मॉम डैड के घर पे,
तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत चाव से इसको यहाँ लेके आए, होपिंग दैट वी विल यूज इट. वी डोंट यूज इट टू मच, बट अब लग रहा है कि धीरे 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 शुरू करेंगे वापस करना. सो दिस इज द गेस्ट बेडरूम. We're now going to go to the हॉल. ऑब्वियसली जब गेस्ट वगैरह आते हैं यहाँ एंटरटेन करते हैं, कोविड की वजह से ज्यादा कोई आ नहीं रहा है. मुझे पिलोज का बहुत शौक है एक्चुअली, बट मेरे पेरेंट्स के घर पे मेरे दो डॉग्स हैं रीनी और जीनो, तो वो पिलो सोफा पे बिल्कुल रहने नहीं देते थे. तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूँ. माँ, ऑल दीज पिलोज दैट आई वॉन्टेड एज अ चाइल्ड, आई हेयर दिस लैम्प. इट्स रियली इमोशनल बिकॉज इट्स अ सेट ऑफ टू, एक मेरे पास यहाँ पे और एक मेरी मम्मी के पास उनके बेडरूम में है, जो मुझे बहुत पसंद है. That is a very cute corner there. Chinese, Japanese, I'm not sure, but ये मेरे दीदी भाई के घर, मेरे नानी के घर श्रीरामपुर में रहता था, तो वहाँ से मैंने इसको ले लिया है और मैं अपने रूम में इसको अपने डेकोर कर रही हूँ. मेरे हस्बैंड का गिटार, वो बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता है करने के लिए, बट कॉलेज वॉलेज में वो बहुत बजाते थे, तो वी थॉट वी शुड गेट अ गिटार एंड जो भी उन्हें टाइम मिलता है वो बजा लेते हैं थोड़ा बहुत. राइट, दिस इज ऑब्वियसली द टीवी. वी हैव अलेक्सा. अलेक्सा, व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ? Oh, and Alexa, that doesn't work. Alexa, what is the time right now? It's 11:41 p.m. Alexa only listens to my husband. I don't know why. Alexa doesn't listen to me at all. Okay, anyway. So, obviously, TV, आपने देख लिया. TV के ऊपर obviously थोड़ी चीजें और मैंने decorate की है. ये जो छोटी-छोटी चीजें हम लोग जब भी मैं Euro trips पे जा रही थी, मैंने pickup किया. ये सारे मोटा-मोटी इधर डांस ट्रिप्स है या कुछ, अगर मैं किसी दोस्त के साथ कभी कोई यूरोप ट्रिप पे गई हूँ. सो दिस इज द वन फ्रॉम सैंटोरिनी ग्रीस एंड बुडापेस्ट. आई रियली लाइक दिस. इट्स लाइक स्नोइंग इन बुडापेस्ट. अनदर शॉट ग्लास क्लियरली तो रखना पड़ता है. एंड दिस इज रोम. इट्स सो क्यूट. अगेन मी एंड माई हस्बैंड मोइनाक, हमें अच्छे अच्छे स्मेल्स अरोमास पूरे घर में हो तो अच्छा लगता है. तो दिस इज समथिंग, दिस इज एन एयर डिफ्यूजर. यहाँ पे अंदर एक कैंडल लगाना पड़ता है, उसके अंदर थॉट शॉक्स एक कैंडल लगाना पड़ता है, और ऊपर अगर आप एसेंशियल ऑयल डालो किसी भी फ्लेवर या किसी भी स्मेल का, तो द एंटायर रूम एक्चुअली बिकम्स वेरी नाइस. सो वी गॉट दैट एंड जस्ट समथिंग जो मेरे बचपन के घर में बहुत पहले से था. मम्मी आपने शायद खरीद के मेरे बेडरूम में लगाया होगा, तो ये मेरे किड वाले रूम में था. तो जब मैं शादी करके यहाँ आई तो मैं उसको लेके आ गई. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ फेंगशुई का फंडा है यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस, सबसे कम टाइम बताती हूँ मैं यहाँ पे. आई डोंट डू एनी किचन वर्क एट ऑल. वेलकम टू माय किचन. मी एंड माय हस्बैंड हैव डन द राइट थिंग एंड हायर्ड अ रियली गुड डोमेस्टिक हेल्प. तो सारा खाना वो बनाती है, सब कुछ साफ आप हो रखती है. मैं बहुत कम टाइम किचन में बताती हूँ, बट मैं जब When I started thinking कि अब मेरी शादी होगी तो मुझे अपना घर सजाना पड़ेगा, एक थिंग आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि नो टू प्लास्टिक्स. राइट, यूज एज मच ऑफ ग्लास एज यू कैन. सो एज यू कैन सी मेरे घर के सारे बॉटल ग्लास की हैं, एंड जितना भी मसालेदान ये वुड का है, एंड ऑल ऑफ दिस चीनी एंड एक्सेट्रा जो भी गुड़ यहाँ पे रखा है, चीनी एक्सेट्रा, ये सारे भी ग्लास के. ये हमको अनफॉर्चुनेटली ऑयल कैंस नहीं मिले हैं ग्लास के या फिर स्टील के या वुड के. सो दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आर प्लास्टिक हियर. ऑलवेज वॉचिंग, इफ यू हैव एनी रेकमेंडेशंस कॉमेंट डाल दीजिएगा मेरी मम्मी के ब्लॉग पे और मैं देख के खरीद लूंगी अमेजोन से जो भी खरीदना है. बट आई ट्राई टू कीप एज मच एज ग्लास स्टील एंड वुड एज आई कैन एंड वेरी लिटिल ऑफ प्लास्टिक. राइट, द फ्रिज मैगनेट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये सारे ट्रिप्स या तो मैंने डांस के वजह से लिए हैं या फिर कुछ मैं अपनी एक दोस्त है शिप्रा उसके साथ घूमने गई थी उसके शादी के बाद. तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उसके शादी के जस्ट बाद हम लोग ने एक यूरो ट्रिप किया था, वहां से कुछ मैगनेट्स है. और ये ऑफकोर्स हम सब डांस ट्रिप्स करते रहते हैं यूरोप में, तो वहां से भी पिक्ड अप. तो आफ्टर द किचन व्हाइल वी आर वॉकिंग, ये एक एम्प्टी स्पेस अभी मेरे घर पे है. आई रियली लव रविन्द्रनाथ ठाकुर. बचपन से ऑब्वियसली बंगाली हूँ, तो माँ ने बहुत सारे स्टोरीज, सॉन्ग्स, डांस ड्रामा सबने बहुत कुछ डिस्कस किया है. यू नो वी एग्जीक्यूटेड अ लॉट ऑफ डांस ड्रामा. यहाँ पे एक बहुत बड़ा रविन्द्रनाथ ठाकुर का फोटो हुआ करता था फ्रॉम शांतिनिकेतन दैट आई पिक्ड अप. बट व्हाइल ट्रैवलिंग, जब मैं बॉम्बे से बैंगलोर अपना सामान शिफ्ट करवा रही थी तो टूट गया. तो मैंने थोड़ा बहुत मैनेज करके यहाँ पे रखा था, बट इट डिडंट वर्क. आफ्टर अ फ्यू डेज इट गेव वे. सो जैसे ही पैंडेमिक खत्म होगा, आई विल ट्राई टू गेट अ रियली नाइस पिक्चर हियर ऑफ रविन्द्रनाथ ठाकुर एंड फिनिश ऑफ दिस एरिया ऑफ माई हाउस.
दीज आर सम ट्रिंकेट्स अगेन. ये वाला मैंने शांति निकेतन से ही पिकअप किया था. दिस इज कॉल्ड एन एक्तारा. अ लॉट ऑफ इट्स यूज फॉर बाउल आई थिंक टिपिकली. इसके बारे में मैंने बहुत सुना है. ऑफ कोर्स तबला है, पखावज है, ढोल है. सो ऑल ऑफ दैट आई रियली लव इट. ये कुछ ट्रिंकेट्स है वेरी क्यूट जो मेरी मम्मी को उनके स्टूडेंट्स ने गिफ्ट किया था और मुझे इतना क्यूट लगा था कि मैं लेके चली आई हूँ. बिफोर आई मूव इनसाइड टू द रेस्ट ऑफ द हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं बॉम्बे से हूँ, मैंने सारी जिंदगी बॉम्बे में बिताई है. तो इतना बड़ा घर और इतना बड़ा ठाकुर घर नहीं मिलता था पूजा करने के लिए. बट मुझे हमेशा से शौक था कि बड़ा सा ठाकुर घर होना चाहिए जहाँ मैं पूजा करूँ. मैं बहुत स्पिरिचुअल या बहुत रिलीजियस नहीं हूँ बट मन में एक था. सो दैट्स व्हेन दिस हैपेंड, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस टू टेक दिस हाउस, आई वुड ड्रीम अबाउट इट कि ये घर जब मैं शिफ्ट कर दूँ तो मैं अपना ठाकुर घर सजाऊँ. सो दैट्स व्हाट हियर, दैट्स व्हाट यू सी हियर. ऑल द गॉड्स दैट आई लव, ओम नमः शिवाय आई हैव हियर. I'm a Kathak dancer. Krishna is a huge part of Kathak, so obviously Krishna. And I'm Mumbai kar hu, Bengali hu, par Mumbai kar hu, so I have Ganpati Bappa. Interesting part about this, these are very unique looking if you see it. मेरी नानी की एक cousin है, obviously मेरी भी नानी है, शीमा दीदा, if you're watching, ये उन्होंने अपने हाथों से बनाया है for me, and I feel it's so cute. So obviously the Jagannath trio of Orissa, but मुझे इतना ज़्यादा cute लगा है कि I've given it the prime position. Right, यहाँ पे भी उनका एक trinket है. हमारे मेरे मम्मी के साइड ऑफ द हाउस में काली माँ को बहुत माना जाता है. दिस इज एक्चुअली माई मॉम्स कजिन हु इज डूइंग दिस पूजा ऑन काली माँ. सो मामा इफ यू आर वॉचिंग, एंड ऑब्वियसली वी गॉट टू हैव स्वामी विवेकानंद हिज बंगाली जीन्स यॉल. सो दैट्स व्हाट वी हैव देयर ऑल्सो. तो यू सॉ द गेस्ट बेडरूम. नेक्स्ट अप इज द स्टडी रूम. तो हमने जानबूझ के 3 BHK लिया था. दिस एक्चुअली 3.5 BHK, द टेम्पल वॉज द 0.5. यहाँ पे हम लोग कोविड में दोनों काम कर रहे हैं. तो वी थॉट ऑफ हैविंग आवर ओन डेस्क स्टेशन, वर्क स्टेशन. दिस इज माय हस्बैंड्स क्लियरली. ही वांटेड लाइक अ रियली बिग मॉनिटर. ही इज अ कोडर, वो पाइथन कोडर है, वो कोड करते रहते हैं. सो ही वांटेड अ रियली बिग यू नो desktop for himself or screen for himself. So he got this and he uses his MacBook Pro as a CPU because he prefers to kind of look at multiple codes at the same time, so it helps him code. This is his favorite chair, ergonomic chair, and he keeps telling me kharido. But I'm a girl, so I will buy pretty things like this chair, right? So this is my reading nook. Mujhe read बुक्स रीडिंग बहुत पसंद है. मेरा हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रीड करता है. सो वी थॉट ऑफ हैविंग दिस कि अगर किसी का काम थोड़ा सा लाइट है तो यहाँ पे बैठे कप ऑफ कॉफी बुक रीड एंजॉय. एंड दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस. सो इफ पीपल फ्रॉम माय ऑफिस आर वॉचिंग दिस, दिस इज माय वर्क स्टेशन. आई हैव माय आईपैड, आई हैव माय एप्पल पेंसिल टू मेक मीटिंग नोट्स वेरी क्विकली. दिस इज माय लैपटॉप, हस्बैंड का किंडल वो पे चार्ज कर रही हूँ मैं. And obviously some tidbits with Chashma Rakhmiti and the specs hold. I mean, I really like some cool stuff happening here. And obviously, मुझे गुस्सा बहुत आता है तो शांति के लिए. Thank you very much. तो थोड़ा सोच समझ के एक मोटा मोटी सा एक structure हमने create किया है ताकि working is easy and living in the house is fun. Obviously, last stop is the bedroom. This is where me and my husband spend the most amount of time. So I wanted this to be really just very very comfortable, and I think I did that. Mota moti bahut zyada comfortable to hai. It's very spacious, kafi bada hai. Bombay standard se to kafi zyada bada hai. Andar ek bahar ek balcony jaisa hai jahan pe hum log kabhi kabhi chai pi lete hain, yahan pe kapde kapde bhi sukhte hain. So it's pretty cool like that. Pehle hamare bedroom mein koi TV nahi tha, but then we realized ki hame bedroom mein TV chahiye kyunki hum bedroom mein bahut zyada time batate hain. A B we are pretty lazy. Weekends pe we want to watch TV and just chill in front of it, right? And thirdly, mere parents aur uske parents, mere husband ke parents dono kehte hain ki hum bahut kharcha karte hain. To humne hamara naam you know roshan kiya hai, humne ye TV khareed liya hai. Bangalore mein वैसे तो गर्मी बिल्कुल नहीं होती है, but एक दो महीने काफी गर्मी होती है तो air conditioning की जरूरत नहीं पड़ती. But सुंदर सस्ता टिकाऊ, हम वाटर कूलर से 2 महीना काम चलाते हैं ठंडक के लिए.
right? So that's pretty much the house. Oh, one very important part. तो क्योंकि मैं बचपन से मेरी मम्मी को देखती आ रही हूँ, शी इज वेरी इंटू मेकअप. आप लोग देख ही रहे हैं उनके ब्लॉग में, उनको मेकअप सजना सवरना बहुत अच्छा लगता है. तो ऑब्वियसली मुझे भी मेकअप सजना सवरना बहुत अच्छा लगता है. तो उस घर में मम्मी पापा के घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, बिकॉज मम्मी का ड्रेसिंग रूम था, मम्मी का मेकअप था, और मैं मतलब उन्हीं का ड्रेसिंग रूम, उन्हीं का मेकअप में सब कुछ कर लेती थी. बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड माई ओन वैनिटी स्पेस व्हिच आई डोंट हैव. So I created this. This obviously मेरा मेरे हस्बैंड दोनों का है, जैसे उनके परफ्यूम्स मेरे परफ्यूम्स, डेली मॉइस्चराइजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट देन आई क्रिएटेड दिस निफ्टी लिटल थिंग वेयर आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स. मैं अपना एक दुकान खोल सकती हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है. और मेरे हस्बैंड भी इसी बात पर हंसते हैं कि मतलब कौन सी पागल लड़की जो इतना सारा सामान रखती है, वो मैं हूँ. तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज माई डेली मेकअप, लाइक आई स्पॉट सम राइट नाउ, और अगर मुझे ऑफिस के कोई मीटिंग है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दैट्स व्हाट आई डू हियर. बट इसके नीचे इज ऑल द फंकी ज्वेलरी एंड फंकी मेकअप फॉर लाइक हैवी ड्यूटी स्टफ, लाइक अगर किसी की शादी में जाना है, राइट, या कोई डांस शो है एक्सेट्रा. सो यू विल फाइंड ऑल ऑफ दैट हियर. एंड देन ऑफकोर्स वीकेंड्स पे अगर आपको थोड़ा स्पा डे चाहिए इन हाउस, यू वांट टू डू सम यू नो फेशियल स्टफ, उसका सामान भी डी आई वाई डू इट योर सेल्फ सारा यहीं पर मिलेगा. सो दैट इज माई फेवरेट पार्ट. मे बी विथ टाइम थोड़ा सा उसको मैं बेटर करूंगी, आई काइंड ऑफ गेट समथिंग मेड आउट ऑफ वुड, बट राइट नाउ दिस इज गोइंग ग्रेट, आई लव इट. सो दैट इज मोस्ट ऑफ द हाउस. एक दो चीजें और है जो मैं नहीं दिखाने वाली, जैसे कि बाथरूम्स. देर आर थ्री बाथरूम्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू, एंड देन देर आर कबर्ड्स ऑब्वियसली दैट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू. And then obviously there is some stuff on the walls that I picked up. This is from Delhi. This is obviously from Bombay. This Tanish gifted us because me and my mom, हम दोनों को jewellery बहुत पसंद है. So we are loyal customers of Tanish. तो हमें वो gift मिला था. And this is me and Moina's humble abode. I hope you really enjoyed it, guys. कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. पर आप मानोगे नहीं, जब तक वो वीडियो चल रहा था और उसका आवाज़ सुनाई दे रहा था, ये जो रीनी और चिनुक, ये दोनों कॉन्स्टेंटली, एक तो मेरे पास ही बैठी है और एक देखिए थोड़ा सा यहाँ बैठी है, तो ये दोनों ही मतलब एकदम कान ऐसे करके वो दोनों चिकुर को ढूंढ रहे थे दोनों ही, क्योंकि उसका आवाज़ आ रहा है. तो दोनों एकदम बेचैन हो रहे थे और वो देख के मुझे भी थोड़ा सा बहुत दुख होता है. पर क्या करें, सिचुएशन ऐसे है कि हम आना जाना मिलना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे हैं. एनीवे, कैसा लगा मुझे बताना. हाँ, और आज इतना ही. मेरे चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विथ मॉली सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मैं सीखती हूँ और फिर न्यू एनर्जी लेके आप सबके सामने आती हूँ. आज इतना ही. नमस्कार.